ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना ओबीडी और उसका जो केबल है कनेक्टर, ये मैंने दोस्तों कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसे कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम अपना जो गाड़ी है, जिस भी गाड़ी में दोस्तों आप टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे, दो तरह की गाड़ी है। हेलो एवरीवन, मैं इमरान अहमद मनोरम मोटर जागरा से। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटोटेक में। दोस्तों अगर आप भी एक BS6 गाड़ी के मैकेनिक हैं और BS6 गाड़ी का दोस्तों काम करते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं एक गैजेट है, ये ओबीडी है दोस्तों, ये ओबीडी और ये मेरा दोस्तों ओबीडी का केबल। इससे दोस्तों हम गाड़ी के अंदर अपना, जब गाड़ी में से हम इंस्टॉल करते हैं, इसकी मदद से दोस्तों हम गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट कोड है, गाड़ी में क्या एरर आ रहा है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, या मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन MIL की लाइट आ जाती है, तो दोस्तों हम चंद सेकंड में पता कर सकते हैं इसकी मदद से कि गाड़ी में जो कार्ड कोड आ रहा है, फॉल्ट कोड, वो किस चीज़ का आ रहा है। तो दोस्तों आज वीडियो के अंदर आप जुड़े रहिए। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट CNG बायफ्यूल गाड़ी है दोस्तों, मेरे यहाँ आई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, कस्टमर का कंसर्न यही है, गाड़ी की प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी ढक्के से आई है। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी का इग्निशन ऑन करके देखते हैं आखिर ऐसी गाड़ी में क्या समस्या थी जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और देखेंगे दोस्तों आज वीडियो में कि हमारा जो OBD हमने लगाया है गाड़ी के अंदर, ये हमारे को कुछ फॉल्ट को ढूंढने में मदद करता है हमारी कि नहीं करता है, किसी काम का है भी है कि नहीं है, बेकार है। तो चलिए दोस्तों चलते चेक करते हैं। ये दोस्तों मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया और गाड़ी में दोस्तों मैं क्रैंक कर रहा हूँ, सेल्फ लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सारी लाइटें भी आ रही हैं CNG की, MIL भी आ रही है, न्यूट्रल लाइट भी आ रही है, बैटरी लाइट भी आ रही है, गाड़ी का इग्निशन भी ऑन है, गाड़ी में सेल्फ भी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों अब आगे अपना अपना जो OBD लगाया है उसे कनेक्ट करके देखते हैं, वो कुछ हमारे को फॉल्ट बताने मदद करता है हमारी कि नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे जुड़े रहिए, वीडियो क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, कोई पार्ट इसका मिस ना करें, वरना वीडियो का अगर कोई पार्ट मिस हो जाएगा तो फिर वीडियो आपके दोस्तों समझ में नहीं आएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना OBD और उसका जो केबल है कनेक्टर, ये मैंने दोस्तों कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसे कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम अपना जो गाड़ी है, जिस भी गाड़ी में दोस्तों आप टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे, दो तरह की गाड़ी आती है दोस्तों। एक आती है मोनोफ्यूल, जिसमें जो OBD जो लगेगा मेरा दोस्तों पीछे इंजन की तरफ लगेगा, और दोस्तों एक गाड़ी आती है मेरी बायफ्यूल, जो कि CNG प्लस पेट्रोल होती है या LPG प्लस पेट्रोल हो, यानी डबल ऑप्शन वाली गाड़ी। उसके अंदर दोस्तों जो मेरा OBD लगेगा, ये मेरा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ डैशबोर्ड के नीचे यहाँ इसका सॉकेट दिया है, यहाँ लगाएंगे इसे। मैं आपको सॉकेट उसका दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, निकालिए सॉकेट को बाहर, ये सॉकेट देखो मेरा दोस्तों बाहर आ गया। अब इसे लगाओ उसमें, जो हमारा OBD है, कनेक्ट करो उसके अंदर। ये दोस्तों हमने अपना यहाँ OBD कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे। अंदर हमने सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कार सिस। ये देखिए दोस्तों, कार सिस एप्लीकेशन आ गई यहाँ, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए ऊपर लिखा गया, कार सिस स्कैन बेस्ट OBD2 ELM327 OBD हाईटेक। तो दोस्तों इस वाली एप्लीकेशन को हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ से हमने इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, और दोस्तों ये इंस्टॉल होने के बाद फिर मैं आपको आगे का इसका प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी कंप्लीट हो रहा है, ये देखिए दोस्तों मेरा इंस्टॉल हो चुकी है एप्लीकेशन, और यहाँ से दोस्तों मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, डायग्नोस्टिक, गैस डेज, गैस ड्राइव, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, सर्च लाइब्रेरी, प्रोडक्ट अननोन, बैटरी वोल्टेज यहाँ दिखाएगा दोस्तों। इस तरीके का एप्लीकेशन आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया है। इग्निशन ऑन करने के बाद दोस्तों मैंने अपना OBD यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर दिया है, ये मेरा गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। उसका दोस्तों मुझे करना क्या है, सिंपल, जो मेरा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर दोस्तों हम ब्लूटूथ ओपन करेंगे। ब्लूटूथ ओपन करो उसका। ब्लूटूथ ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ ओपन करने के बाद दोस्तों मेरा यहाँ पे हमने पेयर डिवाइस किया, तो मेरा यहाँ OBD2 ये आ गया। इसे दोस्तों मुझे क्लिक करना है, और इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें पासवर्ड डालना है 1234। एंटर करना है, उसके बाद ओके। तो दोस्तों मेरा यहाँ कनेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, सिंपल, ये हमारा दोस्तों यहाँ कनेक्ट हो गया हमारा OBD। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे,
बाहर आ जाइए यहाँ से एप्लीकेशन से। जो भी हमने कार से एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड की थी, अब उसे हमें ओपन करना है, उसे ओपन करो। ये देखिए दोस्तों, मैंने कार से एप्लीकेशन को अपना ओपन किया और यहाँ पर दोस्तों अगर आप साइन देख पा रहे होंगे ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसे क्लिक करो। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसा काफ़ी सारे आ गए, तो मुझे दोस्तों ओबीडी टू पे क्लिक करना है। ये मैं ओबीडी टू पे क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों मैंने ओबीडी टू पे क्लिक किया तो ये देखिए आप यहाँ बैटरी का वोल्टेज दोस्तों मेरा शो करने लगा। और यहाँ देखिए प्रोटोकॉल कैन 500K 11 बिट, यानी इससे मुझे ये मालूम चल गया दोस्तों कि मेरा जो दोस्तों ओबीडी है वो मेरी गाड़ी के अंदर वर्किंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब दोस्तों सिंपल मुझे करना क्या है, सबसे पहले डायग्नोस्टिक करूँगा मैं, रीड कोड पढ़ूंगा, तो यहाँ क्लिक करूँगा। और ये देखिए दोस्तों रीड कोड, रेस डाटा, लाइव डाटा, काफ़ी सारी दोस्तों चीज़ें आपको ओबीडी के अंदर देख सकते हैं आप। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी इसकी मदद से। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे क्या करना है, ये गाड़ी मेरे पास स्टार्ट नहीं है, बंद गाड़ी आई है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके अंदर रीड कोड करता हूँ। और रीड कोड करने के बाद दोस्तों देखता हूँ, ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ रीड कोड किया, चंद सेकंड के अंदर दोस्तों यहाँ पर मेरे को देखिए P0201 ये फॉल्ट कोड आ गया, जो लिखा है इंजेक्टर सर्किट मेलफंक्शन सिलेंडर 1। इससे दोस्तों मुझे ये मालूम चला कि मेरी गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं पेट्रोल इंजेक्टर है, वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पीछे जाके देखेंगे अपना पेट्रोल इंजेक्टर जो है मेरा, उसकी वायर वगैरह, केबल वगैरह, सॉकेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने इंजन डिपार्टमेंट की तरफ। ये दोस्तों हम अपने यहाँ इंजन की तरफ आ गए पीछे इंजन कंपार्टमेंट में। और दोस्तों हमारा जैसे कि जो अभी डिफेक्ट कोड आ रहा था P0201, मेरा दोस्तों जो पेट्रोल का इंजेक्टर होता है उसका कोड है। तो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों मेरा पेट्रोल का इंजेक्टर लगाइए, ये देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पर जो पेट्रोल का इंजेक्टर था उसका सॉकेट निकला हुआ था, जिसकी वजह से दोस्तों मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो देखा दोस्तों आपने, चंद सेकंड के अंदर हम इस ओबीडी की मदद से दोस्तों फाइल को पकड़ सकते हैं बिना ज़्यादा झंझट किए, और काम करने में दोस्तों बड़ा ही टाइम आपका बचत होने वाली है टाइम की। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सॉकेट को इसमें फिट कर देते हैं। ये हमने दोस्तों सॉकेट को कंप्लीट कर दिया है, अब चलते हैं दोबारा से आगे की तरफ। ये देखिए दोस्तों इग्निशन हमारा ऑन था। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसे दोस्तों इरेज करेंगे यानी कि डिलीट करेंगे। तो मैं डिलीट पे दोस्तों क्लिक किया, ये देखिए प्रोसेसिंग होने लगी। देखिए दोस्तों वो मेरा यहाँ लिखा आ गया नो कोड द व्हीकल नो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, यानी देखिए दोस्तों अभी जो मेरा फॉल्ट कोड आ रहा था P0201, जैसे मैंने वहाँ कपलर लगाया और इसे आके इरेज किया, डिलीट किया, वो डिलीट हो गया। इससे दोस्तों मुझे ये मालूम चला कि मेरी गाड़ी के अंदर अब कोई एरर नहीं है। अब मैं गाड़ी में दोस्तों क्रैंक करूँगा, सेल्फ लगाऊंगा और देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ये देखिए मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर कोई कोड नहीं आ रहा है। लाइव डाटा में जा सकते हैं, दोस्तों मुझे गाड़ी के यहाँ पे अगर RPM चेक करने हैं तो मैं आपको RPM भी दिखाता हूँ गाड़ी के, चेक करके। ये देखिए गाड़ी के RPM भी आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं, आइडलिंग में कितने आ रहे हैं और फुल एक्सीलेटर लेने पे कितने RPM आ रहे हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। तो ये देखिए दोस्तों ये मेरी गाड़ी के RPM भी बताता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोगों के टाइम की बहुत बचत होने वाली है और काम करने में बहुत ही आसानी होने वाली दोस्तों आपको। सबसे बड़ा फायदा इसका दोस्तों इस्तेमाल करने का इस वीडियो को ये है कि आप जितने भी BSX गाड़ी के मैकेनिक हैं, जिन्हें काम करने में तकलीफ होती है, काम करने में परेशानी होती है, वो दोस्तों इसकी मदद से आपकी कई हद तक दूर हो जाएगी। इसमें दोस्तों आप RPM देख सकते हैं गाड़ी के, इंजन का टेम्परेचर सेंस देख सकते हैं गाड़ी का, एयर प्रेशर चेक कर सकते हैं दोस्तों गाड़ी का आप, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इसकी मदद से, बैटरी वोल्टेज चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, इसका सब काम इसकी मदद से दोस्तों आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।